समझना है। बेटा तुम खड़ी क्यों हो क्लास में? सीट नहीं मिल रही, आगे आ जाओ, थर्ड लाइन में आ जाओ, थर्ड लाइन में बैठा लो बेटा उसको। फिर तेरी बहन को जब कोई कहेगा यहाँ आके बैठ जा, फिर अच्छा लगेगा? थोड़ा लिमिट में रहना चाहिए ना। बैठ जाओ बेटा। चलो अपने देखो, अपने व्यवहार को ऐसा रखो जैसा तुम दूसरे के साथ करो, तुम्हारी बहन के साथ वही होगा। यहाँ नहीं, जहां वो कॉलेज में जाएगी वहां होगा, बस में होगा, ऑटो में होगा। समाज सबसे मिलके बनता है। तुम घटिया हो ना किसी के लिए, तो तुम्हारी बहन के लिए 100% कोई ना कोई घटिया। भगवान जो है, कर्मा रिटर्न्स बैक है, ये सीधी थ्योरी है ये। और ये मैं अपने लिए भी मानती हूँ, मैं अपनी बेटी के लिए भी मानती हूँ। मैं जैसा कर रही हूँ ऐसा ही मेरे साथ होगा, या मेरे घर वालों के साथ। तुम जैसा कर रहे हो ऐसा तुम्हारे भाई बहनों के साथ होगा ही होगा। हम किसी भी बेटी के साथ गलत करेंगे ना, तो अपने आप को इसके लिए तैयार रखना कि मेरी बहन भी पढ़ने निकलेगी। आज छोटी है तो कल निकलेगी। चाचा की बेटी, मामा की बेटी, ऐसा नहीं कोई घर में रिश्ते ही ना हो, माँ भी तो होगी। जैसा तुम कर रहे हो ऐसा तुम्हारी माँ के साथ जरूर घटित हुआ होगा। अब तुम कर रहे हो, बड़े अच्छे कई एड्स हैं, उसमें एक जवान लड़का ना सीटी बजा रहा होता है, तो उसकी माँ, देखा तुम लोगों ने वो, उसकी माँ कहती है बेटा मत कर, तुम्हारी उम्र का था वो लड़का। उसकी माँ लगा लो मेरी एज की, मुझसे 2-4 साल बड़ी होगी, क्योंकि जो बच्चे 20 के हैं उनके माँ 40-45, उनकी माँ 45 साल तक की होती है। तो लगातार सीटियां बजा रहा है, उसकी माँ उसको कहती है बेटा मत कर, वो इरिटेट हो जाती है। तो फील करता है कि मेरी माँ ऐसा क्यों, मतलब क्यों चिढ़ रही है सीटी बजाने से, घर में बैठ के बजा रहा था सीटी। तो उसकी माँ को याद आता है कि जब मैं रोज बस स्टॉप पे जाती हूँ, 45 साल की अधेड़ उम्र की एक औरत, एक घटिया लड़का, मतलब ऐसे नहीं होते बिल्कुल ही घटिया जिनकी परवरिश हो, वो रोज उसको परेशान करता है, उस 45 साल की औरत को। तो उसको फिर फील होता है कि ये मेरा बेटा जो हरकत कर रहा है ये उस लड़के से मेल खाती है। बहुत अच्छा ऐड है, उसका एसेंस बहुत अच्छा निकल के आता है कि एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ जवान लड़कियों का नहीं होता। आप गलत कर रहे हो ना, कोई आपकी माँ के साथ, आपकी बहन के साथ कहीं ना कहीं कोई गलत करेगा फिर। इसलिए समाज को अच्छा बनाओ, क्लास को ऐसा बनाओ, कोई लड़की वहां से अगर आ रही हो और तुम कह रहे हो यहाँ आ जा, तो ये ठीक है, ये अपने आप सोच के देखो। ये हमारी परवरिश को भी दिखाता है कि हमारी परवरिश कैसी माने की है। अपनी बेटियों को जितने हम संस्कार देते हैं ना, उससे ज्यादा बेटों को देने चाहिए, क्योंकि गलत करने वाले लड़के ही तो है ना, किसी के प्रति गलत कमेंट करने वाले, ये ठीक नहीं होता। इतने काबिल बनो कि कोई तुम्हारे साथ बैठना चाहे, तुम्हें ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ के बैठ जाओ। तुम कोई वो छिछोरे 70-80 के दशक के लड़के थोड़ी ना हो, पढ़े लिखे 21वीं-22वीं सदी के लड़के बैठे हो, तुम कोई बच्चे नहीं हो अब। अपने व्यवहार को इतना अच्छा बनाओ, क्योंकि जब गलत बात बोलो ना, तो ये सोच के बोलना कि मेरे घर में जो औरत है ना उसको ये सहना पड़ रहा है कहीं ना कहीं। तुम ही लोगों ने समाज बना रखा है, इसको घटिया बना लो चाहे अच्छा। अच्छा बनाओगे तो पूरा समाज अच्छा बन जाएगा, घटिया बनाओगे तो तुम्हारी माँ को भी 100% सुनना पड़ता होगा, क्योंकि ये कर्म है, ये किसी को नहीं छोड़ते। तुम सबको चार दीवारी में नहीं रख पाओगे, तुम्हारी माँ को भी कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ता है, चाहे वो मार्केट सब्जी लेने जाती हो, गाँव में रहते हो तो गली में तो निकलती है ना, उसको भी सुनना पड़ता होगा, क्योंकि समाज बनाने वाले तुम ही लोग हो। तो ये ध्यान रखो सबको कि भाई किसी को हमारे किसी भी कमेंट से बुरा ना लगे। और इनको अलग मत समझो, जैसे तुम्हारी बहनें ऐसी ही ये हैं। पसंद आना कोई अलग बात होती है, पर व्यवहार अच्छा रखना चाहिए, तुम्हारी परवरिश अच्छी माने की है, कम से कम ये दिखा के चलना। चलो ये टॉपिक। दर्शकों आदाब नमस्ते, मैं हूँ कैसर रजा हुसैनी, सदाकत न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक खास खबर की तरफ। आपका टोटल होता है 3,55,000। अभी और 1.5 लाख कम पड़ रहे। अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप ये जेवर बेचने आए हो? देखिए मेरी बेटी बीमार है और वो सिर्फ ऑपरेशन से ही ठीक हो सकती है, और डॉक्टर ने इस ऑपरेशन के तकरीबन 3-5 लाख का खर्चा बताया, और मेरे पास इतनी सेविंग नहीं है। एक मिनट, मेरे पास आपके लिए कुछ है, एक मिनट। हाँ याद आ गया, अपने सूरत में ही कामरेज के पास एक UNM चिल्ड्रन हॉस्पिटल है। सुना है कि वहां बच्चों के ऑपरेशन सब्सिडाइज रेट में होते हैं या मुफ्त में भी होते हैं। तुम एक बार अपने बच्चे को वहां ले जाकर दिखा तो लो। ये तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर खर्च भी शायद ज्यादा ही होगा। देखो यहाँ तक आ ही गए तो एक बार डॉक्टर से मिल भी लेते हैं। रमेश भाई देखो, आपकी बच्ची के रिपोर्ट देख लिए मैंने सारे, इसका ऑपरेशन यहाँ हो जाएगा।
चिंता मत करो, यूएनएम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो परिवार ऐसी सर्जरीज अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए सब्सिडाइज रेट पे ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो खर्चे की आप चिंता मत करो। आपने तो मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी। तो आप डॉक्टर से जाके मिल लीजिए, ठीक है? क्या हम अंदर आ सकते हैं? ठीक तो हो जाऊंगी ना? हाँ हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मुझे इस ऑपरेशन के बारे में सुन के बहुत डर लग रहा है। बिल्कुल आप घबराइए नहीं, सर्जन, ऑपरेशन थिएटर, यहाँ की मशीन्स, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर सब इस ऑपरेशन को अच्छे से करने के लिए पूरे सक्षम है। देखो परसों हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल एज ए फैमिली बिल्कुल चिंता नहीं करिए, आप बहुत सेफ जगह पे हैं एंड जस्ट रिलैक्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। चलिए, थैंक यू। ऐसे कई परिवारों की मदद कर रहा है हमारा UNM चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो एक ऐसी फैसिलिटी है जहाँ पे जिन पेशेंट्स को जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और जिनको कोई मेजर ऑपरेशन से बीमारी का इलाज करना है, उनके लिए UNM हॉस्पिटल एक वरदान साबित हुआ है। न केवल ज़रूरतमंद परिवार बल्कि यहाँ की वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन फैसिलिटी का लाभ बहुत ही कम खर्च में इवन अफोर्डेबल क्लास भी ले रहा है। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो के जरिए, इस मैसेज के जरिए UNM चिल्ड्रन हॉस्पिटल की इस पहल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। हमारी फ़ोन सेवाएं आपके मार्गदर्शन के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं, और क्या पता आपका ये एफर्ट किसी की ज़िंदगी बदल दे और किसी के लिए सही में वरदान साबित हो। ताज़ा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज़ नेटवर्क। बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सदाकत अखबार सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। इसे पढ़िए और दोस्तों को भी पढ़वाइए। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए सदाकत न्यूज नेटवर्क। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।